अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ मुनीजा है। मैं एक कलनरी आर्ट्स शेफ हूँ और इसके साथ साथ बेकिंग एंड पेटिसरी से भी मेरा ताल्लुक है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बड़े तो बड़े बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे साथ एक शेफ मौजूद हैं जो कि एक बहुत ही बेहतरीन शेफ हैं। मिलते हैं शेफ मुनीजा से। अस्सलाम वालेकुम मुनीजा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू डालडा का दस्तरखान। कैसा लगा आपको हमारे शो में आके आज? बहुत अच्छा लग रहा है डालडा का हिस्सा बनके। अभी तक तो उसको हम उसके मैगजीन्स में उसकी रेसिपी को जरूर देखते थे, लेकिन आज डालडा का पार्ट बनके बहुत अच्छा लग रहा है। चले इसी बात पे हम जो है वो आपकी कुछ मीठे की स्किल्स चेक करते हैं, आई एम श्योर जो कि बहुत अच्छा कुछ बनेगा। किचन की तरफ चले? ठीक है, चले जी। तो आ गए हैं हम अपने किचन में। सबसे पहले आप बताइए कि हम बना क्या रहे हैं। अच्छा हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है, बच्चे बड़े सब बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। हम बना रहे हैं रेड वेलवेट वॉफल्स। चलें जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है बटल में बना लेते हैं। पैन चाहिए? बोल चाहिए? बोल चाहिए, बोल चाहिए। इसमें ले लें हम ये? जी इसमें ले। ओके, ये ले लीजिए। इस हाफ कप में इसमें मिल्क यूज़ कर रही हूँ, हाफ कप। इसके बाद हम इसमें लेमन जूस ऐड करें, फिर इसमें से 1 टीस्पून हम जो है लेमन जूस ऐड करें। अच्छा जी, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए। चले अब अगला हमारा स्टेप क्या होगा इसके बाद? अच्छा, अब हम एक बोल ले लेते हैं और इसमें हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। और 1 कप फ्लावर हमने ऐड कर दिया इसमें, और इसके साथ साथ हम जो है इसमें ऐड कर रहे हैं 3 टेबलस्पून ब्राउन शुगर। 1, 2 and 3। ठीक है, साथ साथ हम इसमें जो ऐड कर रहे हैं वो है आइसिंग शुगर। ठीक है, वो हमारी 1/2 कप जाएगी। अच्छा, साथ साथ इसके अंदर जा रहा है बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। ओके, ठीक है। और साथ इसमें हम कलर ऐड कर रहे हैं, रेड कलर। ठीक है, तो रेड कलर से वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा और रेड वेलवेट वॉफल्स जो बन रहे हैं हमारे। ठीक है, तो ये इसमें हम ऐड कर रहे हैं। ओके, दैट्स इट। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको साइड पे रख देंगे। इसके बाद वेट इंग्रेडिएंट्स है उनको मिक्स करेंगे। ठीक है, इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। अब हम इसके लिए एग्स ले लेंगे, हमारे 2 एग्स हमने लेने। इसके बाद हमने एग्स हमारे इसके अंदर ऐड करने। 2 एग्स आपने लिए? 2 एग्स हमने ऐड किए। तो हमने 1/2 कप बटर मिल्क बनाया था, 1/2 कप ऐड करेंगे हम इसमें। और साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे वैनिला एसेंस। ठीक है, ये कुछ ड्रॉप्स जाएगा इसके अंदर। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने रखे थे हम उन दोनों को मिक्स कर लेंगे। चलें, हाँ ठीक है। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता इसमें रेड कलर आ रहा है। ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसका बैटर ना थोड़ा सा थिक रहेगा, बहुत रनी नहीं होगा वॉफल्स का। सही, क्योंकि उससे ये होगा कि आउटर साइड हमारी थोड़ी सी क्रंची हो और अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। तो अब ये हमारा बैटर रेडी है। ठीक है, इसको हम थोड़ा 5 to 10 मिनट्स रेस्टिंग टाइम देंगे और उसके बाद हम वॉफल्स बनाएंगे इससे। ओके, ठीक है, सही। अच्छा, मीनवाइल हम अभी इसमें ऑयल ऐड नहीं करेंगे। अच्छा बिल्कुल, हम इसमें ऑयल भी ऐड करेंगे। डालडा का हम ऐड करेंगे इसमें ऑयल। अच्छा, हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है हमारा डालडा ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है, मैं तो अंदाजे से ऐड कर रही हूँ, आप मेजर करके मेजर करके। अच्छा, हम इसमें आप देखिए रेड वेलवेट वॉफल्स जो हम बना रहे हैं उसमें भी हम डालडा का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं 2 टेबलस्पून, जिसमें शामिल है विटामिन ए डी एंड ई, यानी कि ये मजीद हेल्दी रेसिपी हो जाएगी आपके बच्चों के लिए। और दूसरी बात ये कि आप डालडा कुकिंग ऑयल जो है वो बेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और आप डिजर्ट्स में यानी कि वॉफल्स बना रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली, मैं बींग अ शेफ, तो मेरी अपनी जो जितनी भी रेसिपीज होती हैं मैं उसमें जो है वो डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ, चाहे वो बेकिंग हो या फिर वॉफल हो। फॉर हेल्दी वर्जन हम ऑयल ऐड करते हैं। और आपको पता है मुनीसा, एक और खास बात डालडा कुकिंग ऑयल की ये है कि इसमें सिर्फ वही फैटी एसिड्स मौजूद हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो ये कितना प्लस पॉइंट है। एग्जैक्टली, और साथ में फिर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 भी शामिल है जो कि हमारी एक सेहत का जो है वो बेहतरीन जामिन है। हेल्दी रेसिपी होगी ना बच्चों के लिए, वही वाली बात है कि जायका प्लस हेल्थ। टाइम हो गया है, अब तक वॉफल मेकर जो है वो हीट अप करेंगी, तब तक ये हो जाएगा। ऑन कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद बॉटल में
मेकर में ऐड करना है। अच्छा, हमने ऐसे ऐड करना है कि सेंटर में हो, साइड पे बहुत ज्यादा ना हो ना। अच्छा, वरना वो सारा जो है ना बिल्कुल, वो जब बनेगा तो ऑब्वियसली वो राइज होता है तो वो गिरे ना उसमें से। देखें इतना खूबसूरत कलर लग रहा है इसका, अभी से इतना जो है वो टेम्पटिंग लग रहा है। और बच्चों ने भी ट्राई करना है, बच्चों को बहुत ईजी, आपने देखा कोई मुश्किल नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आपके हस्बैंड ने आपकी कुकिंग से इंस्पायर होके या खुश होके कभी कोई गिफ्ट दिया हो आपको? फूड फैक्ट्री भी तो ऑब्वियसली उसमें उनका ही वादा था ना कि वहाँ मज़े मज़े के खाने खाने को मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए राइस होना स्टार्ट हो गया है, ये राइस हो रहा है। निकालेंगे अभी या नहीं? अभी बिल्कुल इसको हम निकालते हैं। आप देखिए कैसी जबरदस्त बना है। वाओ, ठीक है। लेकिन और बात शेप भी उसमें होल्ड की हुई होती तो कि शेप खराब ना हो। ये देखें आप, ये देखें जबरदस्त क्या कलर आया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। उसी वक्त ही खा लें, ये देखें जबरदस्त जनाब। अच्छा, इस तरह से हम बाकी का जो बैटर है उसके भी हम जो है वो वॉफल्स बना लेंगे। और ये देखें कितने मजे के तैयार हैं। अब इसकी हम गार्निशिंग करेंगे, सिंगल प्लेटिंग करेंगे और फिर डायरेक्टली आपसे मिलेंगे डाइनिंग एरिया में। अब जब भी मुझे इस तरह की कंफ्यूज सिचुएशन में देखें तो आप समझ जाएं कि प्लेटिंग कोई इतनी खतरनाक किस्म की हुई हुई है कि दिल नहीं चाह रहा कि मैं उसको टेस्ट करूं, क्या मैं उसको छूं, बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक पिक्चर लेते हैं अपने इंस्टाग्राम के लिए, हम बिस्मिल्लाह कहते हैं। बिल्कुल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑलराइट, कैसा लगा वर्दा आपको? बेहतरीन, बहुत जबरदस्त, ऊपर से हल्का सा क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। वाह, कितनी हेल्दी रेसिपी है ये। एग्जैक्टली हेल्दी है क्योंकि हमने इसको बनाया है डाला कुकिंग ऑयल में। भाई अगर आप अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए अच्छा बेहतरीन खाना बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो सेहत से भरपूर हो तो आप सिर्फ डाला कुकिंग ऑयल की रेंज का इस्तेमाल करें। क्योंकि वो हम सब जानते हैं कि तमाम होम शेफ जो हैं वो इसी को रेकमेंड करते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। और अब तो डाला कुकिंग ऑयल की रेंज जो है वो कमर्शियली भी जो है वो किचन्स में यूज़ की जा रही है। दिस इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। और आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों जब आप ट्राई करें तो आपने मुझे टैग ज़रूर करना है। और हाँ, डाला के सोशल मीडिया हैंडल पर ज़रूर आप इसको टैग कीजिएगा, यूट्यूब पेज को और फेसबुक को ज़रूर फॉलो कीजिए। और अपना फीडबैक देके हमें ऐसे ही बताते रहिए, हमें अच्छा लगता है आपके फीडबैक्स देख के सुन के और मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी।